चलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हुआ। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या हुआ वहाँ जाने के बाद। तो 24 को हम ट्रेनिंग सेंटर में आए थे यहाँ MDJTA तिरुचिरापल्ली में। तो आने के बाद अभी लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं, 7 अगस्त है। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि यहाँ पढ़ाई का क्या हाल है, यहाँ के खाने का, आई कार्ड वगैरह आपको कम मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले कि जब हम यहाँ आए थे तो सबसे पहले रूम अलॉट किया गया, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो रूम अलॉट किया गया, रूम अलॉट करने के बाद आपका जो पढ़ाई स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं फील होगा। हम लोग आए तो हम लोगों को स्टार्टिंग में धीरे धीरे एक तरह से पढ़ाया गया, स्टार्टिंग में अभी नॉर्मली चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आगे चल के प्रेशर होगा, पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा समय तो आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ 3 सब्जेक्ट पे पढ़ाई की बात करें तो एक कोचिंग थ्योरी है, एक गुड्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। कोचिंग थ्योरी में एक अकाउंट सेक्शन भी है जो हम लोगों का आज से स्टार्ट हुआ है। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है सारे चीज़ों का, सारे कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि टीचर्स नहीं, आप अच्छे से क्लासेस होते हैं। फिर आपको टेस्ट लगभग पर वीक लिया जाता है, धीरे धीरे आगे चल के हर 2-3 दिन में एक बार टेस्ट होने लगेगा। तो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, टेस्ट होता है, अगर अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के आदमी करे तो बिल्कुल पास हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तो ये पढ़ाई का नोट्स भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है ऐसे, इसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में वो PDF देंगे, आपको खुद से प्रिंट चाहे तो खुद से करवा सकते हैं या वो भी प्रिंट करवा के देंगे। तो ये कोचिंग थ्योरी का हम लोग को अभी नोट्स मिला था, और नोट्स मिला भी अकाउंट सेक्शन आज से स्टार्ट हुआ है। तो 2 टेस्ट हम लोगों का अभी 14 दिन लगभग हुआ है, तो 14 दिन में 2 टेस्ट अभी तक हम लोगों को हो चुका है। 2 टेस्ट हम लोगों ने दिया है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ 2 टेस्ट और एक फुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है जो 50 मार्क्स का था। तो यह इस तरीके से होता है, रूम में भी कोई दिक्कत है नहीं। और एक भाई ने बोला था कि इंडेमनिटी बॉन्ड का क्या है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो स्पेशली चेन्नई डिवीजन में मेरा हुआ था। तो इंडेमनिटी बॉन्ड में वहाँ पे बस 50 रुपये का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प चिपकाना था, लेकिन हमने 100 रुपये का, 100 रुपये का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प उसमें लगाया था। उसमें अगर नोटरी से साइन नहीं करवाते हैं तो भी चलेगा, हम नोटरी से साइन करवा लिए थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर नहीं करवाते हैं तो स्पेशली चेन्नई डिवीजन में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मास डिवीजन में जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा डीवी वहाँ हुआ था फाइनल ज्वाइनिंग का टाइम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इंडेमनिटी बॉन्ड में आप लोग बस स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प जो टिकट आता है, आप लोग को अलग से स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं, बस वही टिकट जो है, टिकट आता है 100 रुपये का, वही लगाने की जरूरत है। ओके, और उसके बाद आप लोग को बात करें तो आईडी कार्ड हम लोगों को 2 दिन पहले प्रोवाइड किया गया है, तो ये देख सकते हैं। यही आईडी कार्ड प्रोवाइड आपको भी किया जाएगा जब आइएगा आप लोग, तो नाम और आपका ये आपका रहेगा डेजिग्नेशन एंड यहाँ आप किस डिवीजन से है, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए रहेगा। और लगभग 10 दिनों के बाद ये आपको जनरली प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो यही कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आइए आराम से रहते हैं यहाँ पे, सब लोग प्रेशर होता है और हम लोगों को तो एक्स्ट्रा कुछ कुछ हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाला है, और हाल ही में कल का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ कि कल हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम में गया था, तंजावुर गए, फिर वहाँ मंदिर वगैरह घूमे, यानी इंजॉय रह करके, कूल रह करके आप यहाँ सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर और कोई क्यूरी या किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाकी फिर मैं उसके ऊपर एक आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना करके लेके आऊँगा। तो आइए आराम से पढ़िए। और ये है कि मेस का थोड़ा सा चार्ज है आपको पर डे, खाना के बारे में बता दें तो पर डे आपको 150 रुपया खाने का लगता है, एक टाइम का 50, 3 टाइम खाना देता है आपको, तो 150 रुपया एक दिन का लगेगा। तो पैसा वगैरह थोड़ा पहले से आप अरेंज करके आए कि हाँ खाना देना पड़ेगा, और संडे को जो आपको बाहर खाना पड़ता है। तो खाने का यही है, और बाकी जैसे सारी चीज़ें चलती हैं, पढ़ाई है, खाइए और बस इंजॉय कीजिए, यहाँ पे आराम से रहते हैं सब सारे लोग। तो यही है, फिर आगे अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं।